बोलो राधा रानी की, ये जो इतने सारे पेड़ देख रहे हो ये सब तुलसी के पेड़ हैं। आपके और हमारे घर में जो तुलसी होती है उसको कहते हैं रामा और श्यामा तुलसी। छोटी तुलसी जो कभी बड़ी नहीं होती है, उस तुलसी की माला आपको बाजार में कहीं भी मिल जाएगी 20-30-40 रुपए में। ये जो तुलसी है इसको कहते हैं बन तुलसी, जो भारत में एक ही जगह पाई जाती है निधि वन में। इस तुलसी की माला मिलती है मात्र बलदाऊ जी के मंदिर से। अदरवाइज कोई भी मनोकामना है जो काम नहीं बनवाओ तो उस तुलसी का 5 दाना निकाल के और लॉकेट के अंदर भर के गले में पहनोगे, 3 महीने में मनोकामना पूर्ण होती है। चमत्कार है इस तुलसी का। कहते हैं जिसके घर ये तुलसी पहुंच जाए उसके घर मंगली मंगल और शुभ होता है। इधर 16108 पेड़ है गिनती के, 16108 पेड़ यानी 16108 कृष्ण भगवान की गोपियां। कहते हैं जब शाम को 6 बजे मंदिर बंद होता है निधिवन, जानवर पक्षी बंदे पुजारी जीव जंतु एक भी नहीं उगता है। धीरे धीरे ये मंदिर खाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि 16108 गोपियों के साथ भगवान वास करते हैं। भगवान को वास करते हुए कोई देख लेता है, अंधा बहरा मृत्यु हो जाती है। जिन जिन्होंने अभी भगवान को वास करते हुए देखा है उनकी समाधि बना दी गई है आगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब पड़ोसी लोग हैं, इनको आज भी घुंघरू की और बंसी की बात सुनाई देती है। वो बात को कहते हैं भगवान आज भी आते हैं इस मंदिर के अंदर और 16108 गोपियों के साथ वास करते हैं। ये जितने भी पेड़ देखे वो सब गोपियां बन जाती है वास करने के लिए। कोई नहीं देखता, सब खिड़कियां बंद है। बोलो राधा रानी की जय। ये जो कुंड देखोगे इसको बोलते हैं ललिता कुंड। जब कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ वास कर रहे थे तो राधा रानी की एक फ्रेंड है ललिता, जिनको वास करते टाइम प्यास लगी तो उन्हें कृष्ण भगवान से बोला प्रभु पानी पीना है। अब कृष्ण भगवान आदि बात को पानी कहाँ से पिलाए, तो कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से गड्ढा खोद के पानी पिलाया था। ये वही कुंड है जो साल में एक बार खुलता है। जैसे भारत में जन्माष्टमी मनाई जाती है कृष्ण जी का बर्थडे, वैसे ही वृंदावन में धूमधाम से राधाष्टमी मनाई जाती है। ये राधाष्टमी दिन खुलता है कुंड। इसका नाम ललिता कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि कृष्ण भगवान ने ललिता के लिए खोदा था। बोलिए ललिता विशाखा की जय। प्रकट स्थल, उस सामने जो मूर्ति देखी आपने सफेद वाली, उसको वो है श्री स्वामी जी हरिदास, संगीत के सम्राट कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरिदास जी कृष्ण जी के गुरु जी हैं, जिन्होंने यहाँ बैठ के 1200 साल तपस्या किया। तपस्या करने के बाद निधिवन से 2 मूर्ति प्रकट की। पहली मूर्ति बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी घूम के आए आप लोग, बांके बिहारी जी यहाँ से ही प्रकट हुए हैं। दूसरी मूर्ति बलदाऊ जी, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम। वृंदावन में 5500 मंदिर, 6 महीने वृंदावन रुकोगे तो वृंदावन नहीं घूम पाओगे। 5500 मंदिर में से मेन मंदिर बलदाऊ जी का, जहाँ पे भगवान को भोग लगाया जाता है, वहीं से निधिवन की तुलसी की माला मिलती है मनोकामना। कहते हैं जो 5500 मंदिर नहीं घूम पाते हैं, बलदाऊ जी के दर्शन करने से ही 5500 मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। ताल लगा दिए जाते हैं गिनती के 7 ताले। जब 4 बजे मंदिर खुलता है ये 7 ताले खोले जाते हैं तो दूध फैला हुआ, पान चबा हुआ, दातुन कटा हुआ, बिस्तर बिखरा हुआ, वे नागा पाता है। ये रहस्य है, भगवान आज भी आते हैं, विश्राम करते हैं, भोग लगाते हैं, यहीं से राधा वाणी को 16 सिंगार से सजाते हैं। इधर से लेडीजों को सामान मिलता है, राधा वाणी का यूज क्या हुआ, चूड़ी सिंदूर बिंदी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, यहीं से मिलता है राधा वाणी के लिए। ऐसे से खरीदे? हाँ जी, 101 रुपये में अपनी माता के लिए लेके जाते हैं। यहाँ से लोग पट खुले हुए घुंघरू की और बंसी के बाद सुनाई देती है। ये लोग परमानेंट बनते हैं। ये लोग सुबह के 5 बजे से लेकर संध्या के 5 बजे तक छत पे रह सकते हैं। उसके बाद किसी को परमिशन नहीं है कुछ छत पे आ जाए, क्योंकि भगवान वास करते हैं, भगवान को वास करते हुए कोई नहीं देखता है। इसलिए अपने सबों ने अपनी खिड़कियां बंद कर दी हमेशा के लिए। प्राइवेट घर है ये, सरकारी नहीं है, प्राइवेट घर खुद के इनके। गाइज अभी हम जानते हुए जा रहे हैं पूरे निधिवन की कहानी है कि क्या क्या यहाँ की कहानी रहती है। जितने भी घर हैं सभी लोगों ने अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे, क्योंकि कोई नहीं देख सकता इन लोगों को, बिकॉज अगर राधा रानी रास करते किसी ने देख लिया अंधे हो जाते हैं। कहती हैं जैसे जो जोड़ी सी होती है ना, वो जोड़ी से जो माथा लगा के निकलती है वो सातों जन्म साथ साथ हो जाते हैं इसके नीचे कोई तोड़ लेता है तो तोड़ के भी घर ले जाएगा और पेन भी लेगा तो कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है पता है? क्योंकि तुम गोपियों को तोड़ रहे हो, पाप कर रहे हो। और यहाँ से जो तुलसियाँ झड़के गिर जाती है ना, उसको पहुँचाया जाता है बलदाऊ जी के मंदिर, वो होती है मैथ। ये है वास मंडल, भगवान वास करते हैं रोज रात को। वास करने के बाद राधा वाणी के साथ वहाँ बैठते हैं। राधे राधे बोलो नाचो। राधे राधे श्री बाकी बिहारी नंदलाल।
तो गाइस अभी आया है भगवान का भोग, जो कि यह लगता है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें खाने की है। कृष्ण भगवान बोला करते थे कि मेरे से अच्छी बंसी कोई नहीं बजा सकता, तब राधा रानी ने उनकी बंसी चोरी करके, मुकुट चोरी करके खुद यहाँ कृष्ण भगवान बन गई और बंसी बजा रही है। बहुत सी जगह देखा होगा जहाँ पे कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं, यही एक मात्र जगह है जहाँ पे राधा रानी कृष्ण भगवान बन गई और बंसी बजा रही है। बगल में विशाखा और उनकी फ्रेंड ललिता, यहाँ से चंदन लगवाना और वाधे वाधे बोलते हुए राधा रानी के दर्शन करना। बोलो राधा रानी की जय। दर्शन करोगे, इसको बोलते हैं श्री स्वामी जी हरिदास जी की जीवित समाधि। जब श्री स्वामी जी हरिदास जी ने 2200 साल तपस्या करने के बाद निधिवन से दो मूर्ति प्रकट की थी, बाके बिहारी जी बलदाऊ जी, तो उनकी 20 साल सेवा करने के बाद उनको पता चल गया कि टाइम आ गया है जाने का, तो उन्होंने यहाँ पे आके जीवित समाधि ले ली। जीवित बोले जीवित मर गए। जिस पानी से भगवान को नहलाया जाता है वो पानी आपको पिलाया जाएगा, उसको बोलते हैं जल। तो यहाँ से जल पीना और श्री स्वामी जी हरिदास जी के दर्शन करना। बोलिए श्री स्वामी जी हरिदास जी की जय। अब इनसे ये पूछो श्री हरिदास जी कौन थे मोड़े बताओ कौन थे बताओ। उन्होंने भगवान को वास करते हुए देखा है। अच्छा। अभी तक इतने लोग मर चुके हैं। सन 2021 की समाधि, पिछले साल ही किसी की मृत्यु हुई थी। ये सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ मरने के बाद इनकी समाधि बना दी गई। भाग्यशाली हैं आप लोग जो इतने आराम से वृंदावन घूम रहे हो। वृंदावन पहली बार आना हुआ? नहीं, काफी बार। आप सोचे कि चले वृंदावन दर्शन करने, लेकिन कोई ना कोई अड़चना, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जिसका आड़ा वृंदावन नहीं आ पाती। आज वृंदावन आए हो तो अपने मन या प्लान से नहीं, बुलावा आया है ठाकुर जी का, तभी वृंदावन आया। आज वृंदावन आए हो तो भगवान को भोग लगाना। भगवान पैसे का भूखा नहीं है भाई, भगवान भूखा है प्रेम का, माखन का। भगवान को देने से या छड़ाने से किसी का पैसा कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही है। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास क्या है, देने वाला वो है, उसे सब पता है, उससे कुछ नहीं छुपता है। इस गड्ढे से थोड़ा सा मिट्टी माथे पे लगाना, क्योंकि ब्रज का मिट्टी है। लड्डू गोपाल बचपन में खाया करते थे। जब लड्डू गोपाल ने बचपन में मिट्टी खाई, उनकी माँ ने बोला क्या खाया, मुँह दिखाओ। मुँह बोला तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मांड दिखा दिया अपनी माता को। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके माथे पे लगा, मस्तक पे वादी वादी बोलते क्या। तो गाइस इसी के साथ होता है निधिवन का सारा सफर खत्म। एंड माता लगा लेना, इधर का यात्रा पूरा हुआ। बापू जी को बोलो वृंदावन फिर बुलाए, बार बार बुलाए, कोई गलती हुई हो तो माफ करे। अब चलेंगे 5500 मंदिरों से मेन मंदिर बलदाऊ जी का, जिनके नाम से आप वृंदावन बोलते हुए आ रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी जी की जय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बलदाऊ जी के मंदिर, तो यहाँ से अभी ये अपना फोन अंदर पकड़ लेंगे।